बहुत सारे बच्चे कमेंट में मुझसे पूछ रहे थे कि भैया डाइट क्या ले SSGD के लिए सुबह में रनिंग करने के बाद। तो देखो मेरे भाई, डाइट मेरा क्या है सो देख लो। चना है उधर दिख रहे हुए, मूंग है मेरे भाई, उसके बाद ये एलमंड्स है और ये केला है, ठीक है ना। इतना डाइट ले लोगे ना तो आपके बॉडी में फुल एनर्जी भर जाएगी मेरे भाई। उसके बाद खाना खाना, ठीक है ना। और एक टाइम आपको ये लेना ही लेना है। अगर आपके पास दूध अवेलेबल है तो दूध आप रात के टाइम या सुबह के टाइम ले सकते हो, ठीक है ना। दोनों किसी एक टाइम में लेना काफ़ी रहेगा आपके लिए। और ऐसे डाइट रखोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा मेरे भाई, रनिंग के लिए भी। रनिंग अच्छी बनेगी, स्ट्रेंथ अच्छी बनेगी, समझ गए। और मैक्सिमम एक चीज़ बोल देता हूँ आप सबको, आप सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? डाइट है मेरे भाई। कितनी भी तैयारी कर लोगे, डाइट आप कित ऑयली फूड खा रहे हो तो भाई काम ना बनेगा, फैट भी लॉस नहीं होगा, साथ के साथ स्ट्रेंथ भी नहीं आएंगे और स्टेमिना भी इंक्रीज नहीं होंगे। तो ये सारे चीज़ आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको मूंग लेना ही लेना है, ठीक है ना। एलमंड्स कैसे भी करके खरीद लो यार, लास्ट टाइम अगर आपके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, चुपचाप महंगा थोड़ा मिलता है यार, क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको खाना पड़ेगा भाई। ये स्टेमिना के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको देख रहे हो मूंग है, चना है, केला है, ठीक है ना, ये ले सकते हो। और शाम के टाइम में आपको एक गिलास दूध लेना, हॉर्लिक्स साथ, हॉर्लिक्स नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, दूध ऐसे ही पी लेना हल्का सा चीनी डाल के, ठीक है। बाकी आप सबकी जितने भी सारे हेल्पफुल वीडियो होंगे आपके SSGD के फिजिकल के रिलेटेड, वो सारे वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। धन्यवाद मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं। जो जो भाई चैनल पर नए जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना।